जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आज की क्लास और आज की हमारी महत्वपूर्ण क्लास जो कि हिमाचल पुलिस की परीक्षा तथा हिमाचल प्रदेश के पटवारी एचपीपीएस टैट और अलाइड सर्विसेज के लिए जो है मुख्यतः चल रही है, जिसमें हम 150 से 200 तक के क्वेश्चनों का आज जवाब जो है वो मैं देने जा रहा हूं। तो 50 क्वेश्चन डेली के लगा रहे हैं, तो आज फिर से नेक्स्ट 50 क्वेश्चन के लिए आप तैयार हो जाइए। पहला सवाल ये रहा, लाहौल स्पीति का मुख्यालय केलांग किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो मैं बता देता हूं, केलांग। केलांग जो है वैसे भी हाई एल्टीट्यूड पर जो मुख्यालय हैं हमारे 12 डिस्ट्रिक्ट हैं, तो 12 डिस्ट्रिक्ट में से जो केलांग है वो सबसे हाईएस्ट मतलब पोजीशन पर जो कह सकते हैं कि केलांग जो है वो सबसे हाईएस्ट हेडक्वार्टर है लाहौल स्पीति का, और ये और डिस्ट्रिक्ट के कंपैरिजन में। और दूसरा तांदी जगह जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहती है लाहौल स्पीति में, क्योंकि वहां पर चंद्रा और भागा दो नदियां आपस में मिलती हैं। तीसरी बात, मृकुला देवी का मंदिर, ये भी लाहौल स्पीति के उदयपुर में है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। तीसरा, आपकी सूरज ताल जो झील है वो भी वहीं पे है। तो यहां पर जो है भागा नदी जो है वो सही आंसर रहेगा। आप इन क्वेश्चनों को याद रखिएगा। त्रिलोकीनाथ मंदिर भी, चलते चलते बता देता हूं, त्रिलोकीनाथ मंदिर भी यहीं पे ही है। चंबा के चुराह घाटी, कोई प्रॉपर जगह नहीं है, घाटी का नाम है चुराह घाटी। और रियासती काल में कितने प्रगणों में बांटे, मतलब कितने में डिवाइड की गई थी? तो 17 भागों में इसको डिवाइड किया गया है। अगला सवाल है, हिमाचल प्रदेश में कितने प्रकार की झीलें पाई जाती हैं? तो हिमाचल प्रदेश में जो है कृत्रिम झीलें भी हैं, आर्टिफिशियल्स भी हैं, यानी कि खारे पानी की झीलें भी हैं, और साथ में आपकी ढालिक तो झीलें भी हैं, जैसे कि ढांचेगत, ठीक है, ढांचेगत हिम झीलें हैं, खारे पानी की प्राकृतिक झीलें हैं, और अवशेष झीलें भी हैं। 5 प्रकार की झीलें जो हैं वो हिमाचल प्रदेश में पाई जाती है। प्रदेश की मानव निर्मित सबसे बड़ी झील कौन सी है, यानी कि सबसे बड़ी मानव निर्मित झील, वैसे मैंने आपको बताया है पिछले वीडियो में भी, अब फिर से ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, गोविंद सागर झील है जो कि बिलासपुर में 168 वर्ग किलोमीटर पर फैली हुई है, और मैंने आपको बताया इसमें अब क्रूज को भी उतार दिया गया है। नेक्स्ट आ जाता है, चंबा की प्रमुख झीलें कौन कौन सी हैं? तो खजिया नाग के ऊपर जो है खजियार का नाम रखा गया है, जिसे हम मिनी स्विट्जरलैंड बोलते हैं। घंटासुरु झील है, इसी प्रकार से जो है महाकाली झील है, लामा झील है, मणिमहेश झील है, ये सभी झीलें जो है चंबा जिले में जो है वो उपस्थित है जी। अगला सवाल है, कांगड़ा की प्राकृतिक झीलें, तो कांगड़ा में जो है दो प्राकृतिक झीलें हैं, वो है एक करेरी झील जो कि धर्मशाला के खनियारा से जाता है रास्ता, दूसरी आपकी डल झील जो कि नड्डी में है, यानी कि धर्मशाला से ऊपर मैक्लोडगंज के साथ। अगला सवाल है, मछियाल के समीप मंदिर, अब मछियाल के पास जो है वो हमारे कौन कौन से मंदिर है? एक संतोषी माता का मंदिर और मच्छिंद्री महादेव मंदिर, ये दो मंदिर है धर्मशाला के पास ही। नेक्स्ट आता है, जनश्रुति के आधार पर किस झील से विवाह शादियों के लिए वर्तन मांगने पर सुबह झील में तैरते हुए मिलते हैं? मतलब हम झील के पास जाते हैं और कोई वर्तन की अगर हम आकांक्षा रखें तो वो सुबह हमें तैरते हुए मिलते हैं, ये सुना जाता है या बोला जाता है, तो वो है मच्छियाल झील। अगला है, कांगड़ा में एकमात्र मानव निर्मित बांध कौन सा है? मानव के द्वारा जो बनाया गया बांध है जो नूरपुर के पास है वो है हमारा पोंग बांध, पोंग डैम, महाराणा रणजीत सिंह बांध भी बोलते हैं। ब्यास नदी के ऊपर ये बना हुआ है, आप इसे देख सकते हैं, बहुत सारी अच्छे मतलब पर्यटन के लिए बहुत ही दृष्टि में बहुत ही बेहतर है। जिला मंडी की प्रमुख झीलें, अब मंडी में आ जाती हैं आपके रिवाल्सर झील आ जाती है, प्राशर झील आ जाती है, कुमारवाह झील है, कुतम भयोग झील है, और प्रासर झील है, और सुखसार झील है, ठीक है जी। ये झीलें जो हैं वो मंडी जिला में आती हैं। नेक्स्ट आता है, मंडी जिले की प्रमुख झीलों के नाम तो हो गया, प्राशर ऋषि का नाम का मंदिर किसने बनाया था, यानी कि
पराशर ऋषि का, यानी कि जो पराशर ऋषि हैं उनका मंदिर किसने बनवाया था, और पराशर पराशर लेक भी है, ठीक है। तो पराशर जो मंदिर है वो बाणसेन ने बनाया था। किसने बनाया था? बाणसेन के द्वारा बनाया गया था। अगला सवाल, पराशर में किस महीने मेले का आयोजन होता है? तो पराशर में जो है अषाढ़ के महीने में जो है वो आयोजन किया जाता है। अगला सवाल है, जिला कुल्लू के प्रसिद्ध झीलों के नाम बताओ। अब कुल्लू में कौन कौन सी है? भृगु झील है, दशहर झील है, संतोष ताल झील है, ब्यास कुंड झील है, ये सभी हैं, हंसा द्योरी और मानतलाई झील है। नेक्स्ट आता है, कुल्लू जिले की सलोसर झील की सफाई का जिम्मा जो है किस चिड़िया द्वारा निभाया जाता है? तो वो है आभी चिड़िया। किसके द्वारा? आभी चिड़िया के द्वारा जो है ये निभाया जाता है। अगला है, सरयोलसर झील की आराध्य देवी कौन सी है? तो वो है सलोसर झील की बूढ़ी नागिन। इसका सही आंसर क्या रहेगा? बूढ़ी नागिन जो है वो इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल, कुल्लू के किस मंदिर में हर साल आकाशीय बिजली से जो है वो स्वयं शिवलिंग का निर्माण होता है? स्वयंभू जो है वो बिजली महादेव की बात की जा रही है, वहां पर हर साल बिजली गिरती है शिवलिंग के ऊपर, फिर उसको मक्खन से जो है वो जोड़ा जाता है, ठीक है जी। तो बिजली महादेव का मंदिर, ठीक है जी। नेक्स्ट आता है, ऋषि भृगु की तपोस्थली किस झील के समीप है? तो भृगु यानी कि भृगु झील जो कि आपके कुल्लू में है। कहां पर है जी? कुल्लू में स्थित है। अगला सवाल, जिला लाहौल की प्रसिद्ध झीलों के नाम, यानी कि अलग अलग है, मैंने आपको अभी भी बताया था, चंद्रताल, सूरजताल झील है, और नीलकंठ और युनाम सो भी झीलें हैं। ये झीलें भी हमें जो है वो याद रखनी है। इसके बाद आता है, बारा लाचा दर्रे के समीप कौन सी झील है? तो बारा लाचा जो दर्रा है वो आ जाता है कैलांग के आगे, यानी कि आपका जसपा जो है और दीपकताल झील है और सूरजताल झील है, तो ये चंद्रताल और सूरजताल और दीपकताल भी बोल सकते हो आप, कौन सी? दीपकताल, ये झील भी इसी के साथ में समीप स्थित है और भागा नदी के किनारे पर ये बनी हुई है, ध्यान से रखिएगा यार। शिमला जिले की प्रमुख झीलें कौन कौन सी हैं? शिमला में है चंद्र नाहन झील। कई बच्चे जो है ना ताल, ताल से आप चले जाया करो लाहौल स्पीति में बच्चों, और नाहन है, नाहन जो ये चंद्र नाहन और तानू जुब्बल झील, ये आपकी शिमला में आती है, ठीक है। अगला आ जाता है, पब्बर नदी का उद्गम स्थल कहां पे है? पब्बर नदी जो है वो चंद्र नाहन झील से निकलती है, रोड़ू के पास है। पब्बर नदी पर ही जो है कई परियोजनाएं भी जो है विद्युत की बनाई गई हैं, तो आप ये याद रखिएगा। अगला सवाल है, जिला किन्नौर क्या एकमात्र झील का नाम बताओ? तो किन्नौर में एक ही झील है, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहती है बच्चों, वो है नाको झील। कौन सी झील है? नाको झील जो है वो किन्नौर में है। नेक्स्ट है, प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील कौन सी है? तो रेणुका झील है सिरमौर में। कौन सी है? रेणुका झील सिरमौर में है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट आता है, सुकेती झील प्रदेश में कहां पर पाई जाती है? सुकेती यानी कि सुकेती रियासत की बात कर रहे हैं, तो वो है हमारी सिरमौर में। कहां पर है जी? सिरमौर में स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली क्वेश्चन घूम रहे हैं, भाखड़ा बांध का निर्माण किस झील से हुआ है? भाखड़ा बांध यानी कि बांध को बनाया गया है, सतलुज नदी से बनाया गया है, गोविंद सागर झील जो है उस पानी को रोककर बनाई गई है। तो करेक्ट आंसर, बिलासपुर में जाइएगा, गोविंद सागर झील के साथ सतलुज नदी, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला सवाल, सुप्रसिद्ध गर्म पानी का जो तीर्थ स्थान है मणिकर्ण, मणिकर्ण मतलब मणिकर्ण की, ठीक है जी। तो पार्वती की गुम हुई थी तो मणिकर्ण नाम रखा, तो पार्वती यानी कि पार्वती नदी, इसीलिए उसका नाम रखा गया है जिस नदी में वो गिरी थी, तो पार्वती नदी ही इसका सही आंसर रहेगा प्यारे बच्चों। नेक्स्ट है, मणिकर्ण में खीर गंगा कसोल विशिष्ट ये कौन से जिले में स्थित है? तो ये है कुल्लू जिले में स्थित है। यहाँ पर घूमने के लिए जो है बहुत से दूर दूर से जो है वो पर्यटक आते हैं और घूमते हैं। इसी प्रकार से नेक्स्ट आता है, ब्यास का अन्य पुराना नाम क्या है? तो ब्यास का पुराना नाम जो है वो है अर्जकिया। क्या नाम है? अर्जकिया, और उसको उरिजिस्ट्रा भी बोलते हैं, तरा उरिजिस्ट्रा। नेक्स्ट, किस नदी
का प्राचीनतम नाम इरावती है। इरावती किस नदी का नाम है? वो है आपकी रावी नदी। रावी नदी का जो प्राचीन नाम है वो है इरावती। अगला है, सप्त सिंधु के नाम से कौन सी नदियां जानी जाती हैं? सप्त सिंधु यानी कि सात नदियां, सतलुज, चिनाब, ब्यास, रावी, झेलम, सरस्वती और सिंधु। ये इन नदियों से जो है देख सकते हैं, तो सात नदियों से, सात नदियों के संगम को जो है सप्त सिंधु कहा जाता है। अगला सवाल आ जाता है, सतलुज नदी का उद्गम स्थल। तो सतलुज नदी जो है वो मानसरोवर झील से निकलती है, तिब्बत में है, राक्षताल से निकलती है, मानसरोवर के राक्षताल से निकलती है। अगला सवाल है, स्पीति और बसपा भागा किसकी सहायक नदियां हैं? तो ये सतलुज नदी की है। आगे सतलुज नदी से जो है ये मिल जाती है, तो आपको ये लर्न होना चाहिए। स्पीति के बाद सतलुज की दूसरी सबसे बड़ी नदी कौन सी है? वो है तेलती नदी, जो है वो सबसे बड़ी नदी है स्पीति की। नेक्स्ट आता है नाथपा झाकड़ी परियोजना। ये सबसे पुरानी नाथपा झाकड़ी परियोजना है और अंडरग्राउंड संजय गांधी परियोजना है। इसी प्रकार से ये कौन सी नदी पर है? तो ये है आपकी सतलुज नदी पर स्थित है बच्चों। अगला सवाल है, मंडी जिला के करसोग तहसील के में अमला और बिमला नदियां जो हैं वो किस स्थान पर मिलती हैं? इमला और बिमला जो हैं वो सतलुज नदी से मिलती हैं। कौन सी नदी से मिलती हैं? सतलुज नदी से मिलती हैं, करसोग के पास। अगला है, भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जहां पर केंद्र सरकार के जल संसाधन मंत्रालय द्वारा बाढ़ पूर्वानुमान के लिए एक भी केंद्र स्थापित नहीं है? यानी कि बाढ़ आने के लिए जो है हमें कोई प्रोविजन नहीं बताया गया है, यहाँ पे सीधा पहाड़ ही चले आते हैं मेरे भाई, है ना। तो ये कौन सा प्रदेश है? तो ये है आपका हिमाचल प्रदेश, जिसके लिए कोई भी संसाधन नहीं बनाया गया है। अगला सवाल, सतलुज नदी में बाढ़ का कारण कौन सी नदी है? तो ये है तिब्बत की पारछू झील। तिब्बत की जो है वो पारछू झील जो है उसमें पानी के आने से जो है वो बाढ़ का कारण बनता है। ब्यास नदी का उद्गम स्थल, तो ब्यास नदी जो है वो ब्यास कुंड से निकलती है रोहतांग के पास से, यानी कि रोहतांग तर्रा यानी कि अटल टनल को याद रखिएगा, वहीं से ब्यास कुंड से निकलती है। नेक्स्ट आता है, सोलंग नाला और कारनी नाला किस नदी के किनारे है? जरूर बताइएगा। सोलंग नाला में कई बच्चे आए होंगे मनाली में स्कीइंग करने, तो बताएं कि कौन सी नदी किनारे है? तो ब्यास नदी के किनारे है बच्चों। किस नदी के किनारे है? ब्यास नदी के किनारे पर स्थित है। अगला सवाल है, ब्यास नदी की सहायक नदियां, जैसे कि आपकी पार्वती आ जाएगी, बिनवा आ जाएगी, बनेर आ जाएगी, सुकेती, पनोड़ी, सोन, समा, फोजल, मनालसू, ये सभी जो दी गई हैं, ये सभी नदियां जो हैं सहायक नदियां हैं ब्यास नदी की। तो सभी ने ये याद रखना है, पेपर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट आ जाता है, ब्यास नदी मंडी जिले के समीप किस स्थान पर प्रवेश करती है? तो बजोरा कुल्लू के पास जो है वो प्रवेश करती है। बजोरा कुल्लू कहां पे है? बजोरा कुल्लू के पास आती है। नेक्स्ट आ जाता है, ब्यास नदी कांगड़ा और हमीरपुर जिले में की सीमाओं से के साथ छूती है। कहां छूती है? संधोल या जयसिंहपुर, जो भी ऑप्शन आपको आए ये दोनों ऑप्शंस आपकी करेक्ट रहेंगी। संधोल बोलो या जयसिंहपुर, ये दोनों के पास जो है वो मिलन से ही निकलती है ब्यास नदी कांगड़ा जिले में। विशिष्ट गर्म पानी का चश्मा कौन सी नदी पर है? तो ये भी ब्यास नदी पर स्थित है। याद रखिएगा प्यारे बच्चों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे तो यहीं से आएंगे, पक्का आएंगे। अगला है, ब्यास नदी का सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो पार्वती नदी जो है वो सबसे बड़ी सहायक नदी है, और इस बार जो बहुत ज्यादा इसमें त्रासदी भी हुई थी। नेक्स्ट आता है, कसोल मणिकर्ण जरी ये धार्मिक स्थल है, ये किस नदी पर है? तो ये भी पार्वती यानी कि ब्यास नदी के किनारे पर ही स्थित है। नेक्स्ट आता है, सैंज और तीर्थन खड्डे किसकी सहायक नदियां हैं? तो सैंज और ये सभी अगर आपको खड्डे इकट्ठे याद कर लें तो
तो फिर द्वारा याद करने की जरूरत नहीं है, ब्यास नदी ही इसका सही करेक्ट आंसर है बच्चों। अगला सवाल, अगला है 1880 में कर्नल रैन ने द हार स्टेट की स्थापना की थी जो कि वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है, तो वो है रॉरिक कला संग्रहालय जो कि नगर में है। तो आपको ये याद रखना चाहिए 1880 में जो है ये बनाया गया था। नेक्स्ट, किस वर्ष कैप्टन आर सी ली ने बरदोली में सेब का बगीचा लगाया था, तो वो है 1870 में लगाया था। कब लगाया था? 1870 में उन्होंने लगाया था। अगला सवाल, बाखली और जियोनी नामक खड्डे हैं पंडोह के समीप, वो अलग अलग स्थानों पर किस नदी से मिलती हैं, तो पंडोह के पास सारी जो नदी आ रही है बच्चों वो कौन सी है, वो है ब्यास नदी। कौन सी है? ब्यास नदी। और आज का 200 नंबर यानी कि 200 क्वेश्चन लास्ट लेकर आया हूं, वो है सुकेती खड, सोन खड, बकर खड, धोला, पिंगला, ये किस नदी से मिलती हैं, तो ये सभी नदियां मिलती हैं ब्यास नदी से। कौन सी नदी से मिलती है प्यारे बच्चों? ब्यास नदी से बनती हैं। और ये है आपका आज के 50 क्वेश्चन का वीडियो, और आप इस क्वेश्चंस को लगाइएगा और इनको दिमाग में डालिएगा। अगली वीडियो के साथ मिलूंगा फिर से इसी तैयारी के साथ, तब तक लिए अपना खास ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।